हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग को रीड करने के लिए हम कितने कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और 3D मॉडल्स को रीड करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो 2D ड्राइंग को रीड करने के कॉन्सेप्ट से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग्स दिखाऊंगा और कुछ सिविल ड्राइंग्स भी दिखाऊंगा जिसमें आप जो है डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आपको किस किस एंगल से ड्राइंग को देखना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें मैं आपको डिफरेंट प्रोजेक्शंस बताऊंगा। तो ये पूरी सीरीज जो है इसमें आप आराम से ड्राइंग को रीड करना सीख सकते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्शन व्यूज जो है उसमें आप ड्राइंग को रीड कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारी पूरी वीडियो सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग को कैसे रीड कर सकते हैं और ड्राइंग को रीड करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट और फंडे हम यूज करते हैं वो सभी के सभी फंडे हम आपको आज क्लियर करेंगे। क्या चीज आपको समझने की है वो आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक 3D मॉडल दिखा रहा हूँ, इसको मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ। ये एक बॉल बेयरिंग है, ठीक है, एक बॉल बेयरिंग है। इस बॉल बेयरिंग को मैं आपको अलग अलग व्यू से दिखाऊंगा जितने व्यू से हम जो है ड्राइंग को देखते हैं। यानी कि अगर हमें 2D व्यू में हमें ये ड्राइंग मिलेगी तो किस टाइप से मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर 2D वायर फ्रेम में इस ड्राइंग को कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये जो है ड्राइंग 2D वायर फ्रेम में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं आपको सबसे पहले टॉप व्यू दिखाता हूँ, टॉप व्यू में आपको ये ड्राइंग कैसे दिखेगी। देखिए ये टॉप व्यू है ड्राइंग का, इसमें जो है बॉल्स जो है ये दिखाई जा रही हैं आपको। ठीक है, ये अलग अलग बॉल्स हैं, इन बॉल्स को यहाँ पर जो है टॉप व्यू में दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम इस ड्राइंग को फ्रंट व्यू में देखते हैं तो ये हमें ड्राइंग किस टाइप से दिखेगी। ये ड्राइंग हमें इस टाइप से शो होगी, ठीक है, 2D व्यू में। ठीक है, अगर हम इसे रियलिस्टिक व्यू में देखते हैं तो ये हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या डिफरेंस है। तो देखिए फ्रंट व्यू ये है और टॉप व्यू ये है। अगर हमें ड्राइंग इस टाइप से दिखाई जा रही है तो ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है। बट ये हमारा 3D मॉडल है, जब हम इसे वायर फ्रेम में करेंगे तो हमें ये ड्राइंग कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कोई और मॉडल अगर हमारे सामने है, जैसे कि एक कार है। ये जो कार हम आपको दिखा रहे हैं ये ऑटोमोबाइल व्हीकल है, इसको हमने अलग अलग व्यू में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए मैं आपको सबसे पहले टॉप व्यू दिखा देता हूं इस कार का। ये देखिए कार का ये टॉप व्यू है, ये हमें समझ में आ रहा है कि जब हम कार को ऊपर से देखेंगे तो हमें कार कुछ इस टाइप से दिखाई देगी और जब हम कार को लेफ्ट साइड से देखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। तो ये जो लेफ्ट व्यू है ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। और अब हम इसको फ्रंट व्यू से देखना चाहेंगे तो फ्रंट व्यू में हमें कार कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। अब मैं आपको आइसोमेट्रिक व्यूज दिखाता हूँ। देखिए ये जो है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू है, इसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है आपको ड्राइंग दिखाई जा रही है। साउथ और वेस्ट आप देख सकते हैं ड्राइंग को, साउथ और वेस्ट यहाँ पर शो हो रहा है, साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है कि तीन व्यू एक साथ हम देख सकते हैं, जैसे कि टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू था हमारी कार का, ये फ्रंट व्यू था और ये साइड व्यू था। तो तीनों के तीनों व्यू हम एक ही व्यू में देख पा रहे हैं, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। तो जब भी हम ड्राइंग को देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो है एक 3D मॉडल को देख पा रहे हैं, ठीक है। जब भी हम 2D मॉडल को देखेंगे तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें दिखाई देंगी, उसकी लंबाई या चौड़ाई, ठीक है। ये कार है
ये हम टॉप व्यू में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल पा रही है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है यानी मोटाई है वो हमें नहीं दिख पा रही है। जब हम इसको साइड व्यू में देखते हैं, ठीक है, तो हमें इसकी जो ऊंचाई है, ये जो हाइट है, ये हमें देख पा रहे हैं, ठीक है। बट इसकी जो चौड़ाई है वो हमको नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम जो ड्राइंग्स यूज़ करते हैं उसमें हम सिर्फ टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू को दिखाते हैं, जिससे कि हमें जो डायमेंशंस है वो सही और एग्जैक्ट पता चल पाए, ठीक है। अब मैं आपको जो है 2D वायर फ्रेम में इस कार को दिखा रहा हूँ। तो 2D वायर फ्रेम में आपको ये कार इस टाइप से दिखाई देगी। अब मैं आप इस कार को जो है आइसोमेट्रिक व्यू में दिखा रहा हूँ, तो आप जो कार को इस तरफ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो कार है आइसोमेट्रिक व्यू में तीनों ही साइड्स को दिखा रही है। अगर हम इसे रोटेट करके देखते हैं तो ये कार हमें 3D व्यू में शो हो रही है, ओके। ये जो कार है हमारी, अलग अलग एंगल से देखने के लिए हम इसको 3D व्यू में देखते हैं। 3D व्यू में जो भी ड्राइंग हम मिलती हैं वो हमें एग्जैक्ट जो पिक्चर है किसी भी कंपोनेंट की वो हमें दिखाती है, जिससे हम जो है आसानी से ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो किस तरह से दिखाई देगा एक्चुअल व्यू में। 2D व्यू में जब हम देखते हैं तो हमें जो है एग्जैक्ट वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको 3D मॉडल्स के रूप में दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है एक शाफ्ट और एक बेयरिंग है, इसको मैं आपको अलग अलग एंगल से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग है, और ये इसकी शाफ्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको टॉप व्यू में देखता हूँ, ठीक है, तो भी हमें ये जो ड्राइंग है वो इस टाइप से दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब मैं अगर इसको फ्रंट व्यू में देख रहा हूँ तब भी हमें ये जो है इसी टाइप से दिखाई देगी। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही व्यू में देखिए हमारी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि ये जो है राउंड सरफेस है। तो राउंड सरफेस ऊपर से देखें या साइड से देखें एक जैसा ही दिखाई देगा। बट जब हम इसको लेफ्ट से देखेंगे तब हमें जो है ये एक अलग व्यू में नज़र आएगी, ठीक है। अब इसीलिए हम जो है आइसोमेट्रिक व्यू यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें जो एग्जैक्ट जो कंपोनेंट है उसकी शेप पता चल पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आइसोमेट्रिक व्यू में आपको एग्जैक्ट जो शेप है वो पता चल पा रही है। आइसोमेट्रिक के लिए भी अलग अलग एंगल होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको आइसोमेट्रिक के अलग अलग एंगल दिखा देता हूँ। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक। तो मैं यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक दिखा देता हूँ आपको। अगर नॉर्थ वेस्ट पर देखते हैं तो हमें जो है कुछ इस टाइप से ड्राइंग दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग रीड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, कि हम जो है 2D में कई बार गलत इमेज क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए हम जो है 3D इमेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास 3D इमेज नहीं होगी हम जो है एग्जैक्ट कंपोनेंट को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये हम कौन सा कंपोनेंट बना रहे हैं। तो ये कस्टमर ड्राइंग में हमें जो है ये 3D इमेज दी जाती है। जो प्रोसेस ड्राइंग होती है वहाँ पर हमें सिर्फ 2D ड्राइंग्स दी जाती हैं। और 2D ड्राइंग्स में जैसे कि अब देख लीजिए, ये एक ड्राइंग दी हुई है। अब हम इससे ये नहीं पता चल सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ये कंपोनेंट क्या है। ये हो सकता है एक स्लीव हो, ये एक जो है कवर हो सकता है, ठीक है। ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक जो है हम इसको पूरा एग्जैक्ट 3D व्यू में नहीं देख लेंगे, ठीक है। तो 3D व्यू में देखने के लिए हम जो है इसको जब तक ऐसे देखेंगे तो हमें जो है ये कंपोनेंट दिखाई देगा एक्चुअल डायमेंशंस के साथ, ठीक है। और इसको मैं आपको कॉन्सेप्चुअल व्यू में दिखा रहा हूँ, तो ये जो है इस टाइप से आपको कंपोनेंट दिखाई देगा। तो ड्राइंग को रीड करने के लिए जब भी आप प्रोसेस ड्राइंग में जाएंगे तो आपको ड्राइंग समझ में नहीं आएगी जब तक आप 3D मॉडल नहीं देखेंगे। ऐसे ही कुछ और मॉडल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये सिविल की ड्राइंग है। सिविल इंजीनियर्स जो ड्राइंग यूज़ करते हैं वो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये टॉप व्यू है, एक बार है उसका जो है टॉप व्यू है, ठीक है। इसको मैं आपको
टॉप व्यू से दिखा रहा हूं, अब मैं लेफ्ट व्यू से दिखाता हूं आपको। तो लेफ्ट व्यू में आप जो देख पाएंगे, देखिए कुछ चेयर्स हैं, थोड़ा सा अंदाजा लग पा रहा है कि कुछ चेयर्स हैं और ये जो है कुछ टेबल्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, और ये डोर्स हैं, और ये जो है ये वॉल है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ एक नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, बट एग्जैक्ट जो है नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जब तक आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू में नहीं देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको अब समझ में आ रहा है कि ये जो टेबल है, कुछ चेयर्स हैं, ठीक है, और ये जो है अलग अलग सेक्शंस को शो कर रहा है। तो ये हमारा जो है 3D मॉडल है। अब मैं इसको जो है वायर फ्रेम से हटाकर रियलिस्टिक व्यू में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है रियलिस्टिक व्यू है, ठीक है। रियलिस्टिक व्यू में आप देख सकते हैं ये जो है एग्जैक्ट आप जो है ड्राइंग को समझ पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है और किस एरिया का जो है आपको ड्राइंग दिखाई जा रही है, ठीक है। तो उसको जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए चेयर्स हैं, टेबल है, यहाँ पर ये अम्ब्रेला वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, डाइनिंग टेबल्स हैं, अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, वॉशरूम है। तो ये जो है सिविल की ड्राइंग्स हैं। सिविल की ड्राइंग को रीड करने के लिए आपको जो है 3D व्यू या आइसोमेट्रिक व्यू आपको पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक व्यू में जो है आप कैसे ड्राइंग को रीड करेंगे। उसके बाद जो है आप इसको 2D व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। टॉप व्यू में आप जो है लोकेशन चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है हॉरिजॉन्टल से कितनी दूरी पर है, देखिए यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर आप जो है इसकी वॉल की हाइट नहीं पता कर पाएंगे। तो हाइट पता करने के लिए आप क्या करेंगे, साइड व्यू देखेंगे। तो साइड व्यू में जब आप जाएंगे तो देखेंगे आपको जो है इसकी वॉल की हाइट जो है पता चल जाएगी कि ये वॉल की हाइट कितनी है, ठीक है। इसी तरह से जो है फ्रंट और बैक व्यू है, फ्रंट और बैक और हाइट वाला जो व्यू है वो बिल्कुल लगभग सेम दिखा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि आप जो है आइसोमेट्रिक व्यू प्रिफर करें। आइसोमेट्रिक व्यू में आपको जो है एग्जैक्ट ड्राइंग जो है दिख जाती है। तो इस टाइप से जो है आप ड्राइंग को रीड कर सकते हैं। आपको जो है व्यूज़ का पता चल गया, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है। उसके बाद आपको है रियलिस्टिक, 2D वायर फ्रेम, कॉन्सेप्शुअल। देखिए कॉन्सेप्शुअल में भी जो ड्राइंग है वो आपको सेम ऐसी ही दिखेगी जैसी रियलिस्टिक में दिखेगी। 2D वायर फ्रेम में आपको जो है कुछ लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये आपको जो है आपको लाइन लाइन की फॉर्म में जो है कंपोनेंट दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये है हमारी ड्राइंग रीड करने का बेसिक कॉन्सेप्ट। आप जो है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू में ड्राइंग को रीड कर सकते हैं, वहाँ से एग्जैक्ट डायमेंशन जो है निकाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ और ड्राइंग्स भी हैं, जैसे कि मैं आपको एक कंपोनेंट है इसकी जो है 2D ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू जब भी आप शो करेंगे तो जो है ये आप उसको ऐसे दिखाएंगे। ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है। टॉप व्यू में आपको पता है कि ये जो कीवे है इसके अंदर एक बनाया हुआ है 16 mm का, और 5 mm जो है इसकी विड्थ है। ये बीच में राउंड होल है, ठीक है, और ये हमारा जो है कंपोनेंट है। इसके ऊपर जो है ये थ्रेडिंग हो रखी है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जब अगर कोई कंपोनेंट दिखाया जाता है तो आप जो है उसको व्यू के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। देखिए ये सेक्शनल व्यू है, इसका सेक्शनल व्यू है, और ये जो है इसका प्लेन है, यानी कि टॉप व्यू है, ठीक है। तो इससे आप जो है कंपोनेंट को समझ पाएंगे। बट कुछ कंपोनेंट क्रिटिकल होते हैं, उनको समझने के लिए आपको आइसोमेट्रिक व्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ड्राइंग को रीड करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। ड्राइंग में जो है सारी डिटेल दी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कंपोनेंट है, इसकी ड्राइंग भी आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये ड्राइंग्स हैं और इसकी जो है डिटेल यहाँ पर दी हुई है। उसको आप रीड करेंगे तो आप जो है पूरा डेटा, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, डिज़ाइन डेटा जो है, इसका वर्किंग प्रेशर है, वो इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ड्राइंग को रीड कर सकते हैं।